My name is Tabal Sumnath and now you are watching my YouTube channel Rapture Reading. I hope you all are doing well. So let's start our video. पिछली वीडियो में हमने स्टेंजा 178, 179 एंड 180 के बारे एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा 181, 182 एंड 183 के बारे पढ़ेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे. Moments which thunderstrike the walls of rock built cities. The armaments, weapons. See, अपना weapons को use करके वो rock built cities को तोड़ देगा जो तुमने बनाई, मनुष्य ने बनाई. Bidding nations quake. और ऐसा जब होगा तो वो nation, वो राष्ट्र जो दूसरों को order देती है, खुद वही राष्ट्र वही कांपने लगेगा. And monarch tremble in their capitals. और मोनार्क अपनी ही राजधानी में, अपनी ही कैपिटल में डर के मारे थरथराने लगेगा. द ओक लेवियाथान्स हूज ह्यूज रिब्स मेक. ओक मीन्स होता है ट्री, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है. लेवियाथान्स हो गया ह्यूज शिप, हूज ह्यूज रिब्स मेक. जिस तरह से हमारे रीढ़ की हड्डी बनी हुई, ठीक उसी तरह से वो ह्यूज शिप जो ओक ट्री की लकड़ी से बनी हुई है. देयर क्ले क्रिएटर द वेन टाइटल टेक. और जो क्ले क्रिएटर रेफर्स टू ह्यूमन, और जिस ह्यूमन ने उसको बनाया है और उसने जो टाइटल लिया हुआ, टाइटल टेक ऑफ लॉर्ड एंड आर्बिट्र, लॉर्ड ऑफ दी एंड आर्बिट्री ऑफ ऑल. और जो मनुष्य ने इस चीज को बनाया और अपने आप को टाइटल दिया हुआ है लॉर्ड ऑफ दी का, आर्बिट्री ऑफ ऑल, और ये सारी चीजें जो बनाई है सब द वेन है, बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि द मोस्ट पावरफुल इज द ओशियन. These are thy toys and as the snowy flake. These are thy toys. ये सब समुद्र के लिए खिलौने के तरह है, खिलौना है समुद्र के लिए. And as the snowy flake. जैसे हिम के कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स बर्फ के समुद्र में घुल जाते, ठीक ये सारी भी चीजें समुद्र में डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. The melt into the east of waves. और ये सारी ईस्ट मीन्स होता है, यहाँ पर ईस्ट का मतलब है जोशपुर, ईस्ट ऑफ वे, जोशपुर लहर आएगी और ये सारी चीजें स्नोवी फ्लेक की तरह सब समुद्र में घुल मिल जाएंगी, समुद्र सबको अपने अंदर में ले लेगा. विच मार्क अलाइक द अर्मांडा स्प्राइड और स्पॉइल ऑफ ट्रफलगार. और तुम्हें उसी तरह से तुम्हारे प्राइड को नुकसान पहुंचाएगा. मार मीन्स हार्मफुल, तुम्हारे प्राइड को, जिसे तुम पे नाज है उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक उसी तरह से जिसे उसने अर्मांडा के प्राइड को स्पॉइल किया. जैसे अर्मांडा एक स्पेनिश शिप थी जो इंग्लैंड के चैनल से हार गई. अर्मांडा का दावा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और वो हारी भी और समुद्र में डूब भी गई. और स्पॉइल ऑफ ट्रफलगार, और स्पॉइल ट्रफलगार भी बर्बाद हो गया. ये स्पेन के साउथ कोस्ट में बना एक कैप है. कैप मतलब होता है जो सी के किनारे का जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसे कहते हैं कैप. उस कैप पर, स्पेन में जो कैप था उसका नाम था ट्रफलगार, और इस लड़ाई में ट्रफलगार भी बर्बाद हो गया. कहने का मतलब है जिसे, जैसे तुम समझती हो कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लॉर्ड ऑफ दी हो एंड आर्बिट्री ऑफ वार है, लेकिन एक्चुअल में द मोस्ट पावरफुल इज द ओशन हु कैन डिस्ट्रॉय योर ऑल थिंग्स. यू एंड ऑल यू क्रिएट और मेक आर ऑब्जेक्ट्स टू प्ले, दोज आर टॉयज फॉर ओशन. द ओशन इज द मोस्ट पावरफुल, नो वन कैन डिफीट. 182. इस स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि thy shores are empires changed in all. Save thee, Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they? Thy shores are empires. जो इन सब की सभ्यता थी एक empire की तरह लगती थी, एक empire के जैसे थी. Changed in all, save thee. सब कुछ हो गया, बदल गया समुद्र के अलावा. Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they? क्या थे ये सब? Thy waters wash them power while they were free. Thy waters, your waters, मतलब समुद्र का पानी ने उनकी पावर को वॉश कर दिया जब while they were free. जब वहाँ की सभ्यता और वहाँ के जो लोग थे वो समुद्र
को बेटर अंडरस्टैंड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तब वे तब समुद्र ने उनकी पावर को वॉश कर दी। टायरेंट, टायरेंट मीन्स होता है एक क्रूअल राजा, दुष्ट राजा। जो दुष्ट राजा था, देयर शोर्स ओबे द स्ट्रेंजर स्लेव्स और सेवेज, जिसका जिसकी बात माना करते थे उस शोर में रहने वाले स्ट्रेंजर्स स्लेव और सेवेज। देयर डीके हैड ड्राइड अप रियल्स टू डेजर्ट। अब जो उसकी सभ्यता थी, जो एम्पायर उस उन्होंने बना करके रखा था, सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, वो क्षेत्र पूरा बर्बाद हो गया। रियल्स मीन्स एरिया होता है, सब सूख गया। जैसे रेगिस्तान में जब जाओ तो वहाँ ना कोई फूल होता है, ना कोई पत्ती होती है, ना ही कोई वहाँ पे कोई रहते हैं, जानदार चीज़ होती है। ठीक उसी तरह से वो एम्पायर जिसे तुमने बनाया था, वो भी डेजर्ट की तरह हो गया, ड्राइड अप रियल्म्स टू डेजर्ट। वो क्षेत्र सूख गया डेजर्ट की तरह। नॉट सो दो अनचेंजेबल, नॉट सो दो, लेकिन समुद्र को कह रहा है कि तुम नहीं बदले। नॉट सो दो अनचेंजेबल, तुम नहीं बदले, तुम जैसे थे वैसी ही। सेव टू दाई वाइड वेव्स प्ले, अभी भी तुम्हारे वेव्स जो हैं खेल रहे हैं। टाइम राइट्स नो रिंकल ऑन दाइन अजोर ब्रो। टाइम का जो है उसका प्रभाव जो समुद्र के ऊपर नहीं पड़ा, वो अभी भी यंग है। जिस तरह यहाँ पे दाइन अजोर ब्रो का यूज़ किया गया, समुद्र की ब्यूटी और उसका ना ख़त्म होने वाला यंग को, यंग ब्यूटी बताने के लिए यूज़ किया गया है। अजोर मतलब होता है ब्लू स्काई, ब्रो मतलब होता है हिल का सबसे टॉप वाला पार्ट, दाइन अजोर ब्रो। सच एज क्रिएशन डाउन बी हेल्ड, जब तुम्हें बनाया गया, समुद्र से कह रहे हैं, जब तुम्हें बनाया गया, क्रिएट किया ओशन को, तब तुम जिस तरह से ब्यूटीफुल थे, दाइन अजोर ब्रो दो रोलस ना, तुम अब भी वैसी हो। लेकिन ये जो इंसान थे वो आए गए, उनकी सभ्यता आई गई, उनका टाइम, टाइम का प्रभाव उन सब के ऊपर पड़ा, लेकिन टाइम का प्रभाव समुद्र के ऊपर नहीं पड़ा। समुद्र आज भी यंग है, ऐसे जैसे दाइन अजोर ब्रो। स्टेंजा नंबर 183। इस स्टेंजा में पॉइंट कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं समुद्र को, दो ग्लोरियस मिरर, मतलब समुद्र ग्लोरियस मिरर की तरह, वंडरफुल मिरर की तरह, वेयर द अलमाइटीज फॉर्म ग्लासेस इटसेल्फ इन टेम्पेस्ट इन ऑल टाइम। ग्लास जहाँ पे अलमाइटी ने फॉर्म किया है, ग्लासेस इटसेल्फ इन टेम्पेस्ट, कहने का मतलब है कि जैसे एक ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लास टूट जाए तो हमारे पैरों में लग जाए तो हमें नुकसान भी दे सकता है, इसी तरह से कह रहे कि समुद्र बनाया गया है इसलिए ताकि वो हमारे फायदे के लिए बनाई गई है समुद्र को, और साथ ही साथ वो टेम्पेस्ट भी खतरनाक भी है और आंधी भी ला सकता है, अगर तुम्हारी एक्सेस ग्रीड अपनी फायदे के लिए, अगर तुम उसका हद से ज़्यादा और इस्तेमाल करोगे बगैर सोचे समझे। काम और कन्वर्स्ड इन ब्रीज और गेल और स्टोम, काम भी है, कन्वर्स मीन्स वायलेंट भी है, और जो समुद्र है वो ठंडी ठंडी हवा भी देती है और ज़्यादा तेज़ हवा भी, और ये आंधी भी ला सकती, स्टॉर्म भी है। आइसिंग द पोल और इन द टॉरिड क्लाइम डार्क, और ये पोल के पास फ्रिजिड भी है, ठंडी भी है, और इक्वेटर के पास, विषुवत रेखा के पास गर्म, वेरी हॉट भी है, डार्क भी। हीविंग बाउंडलेस एंडलेस एंड सबलाइन, हीविंग बाउंडलेस जो समुद्र की ऊंचाई है, बाउंडलेस है और एंडलेस है, एंड सबलाइन ग्रैंड है, बहुत खूबसूरत है, अति प्रशंसनीय है। द इमेज ऑफ इटर्निटी, और ये सी जो है इमेज ऑफ इटर्निटी है, इटर्निटी मतलब प्रालौकिक, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जो हमेशा रहने वाला, इटर्निटी है। द थॉर्न ऑफ द इनविंसिबल, और ये थॉर्न
किसका थॉर्न है? उसका थॉर्न है जो इनविंसिबल है, जो गॉड हमें दिखाई नहीं देता, इवन फ्रॉम आउट दाई स्लाइम। स्लाइम का मतलब होता है कीचड़, जो समुद्र से जो कीचड़ की, समुद्र का ही पानी सब जगह होता है, और वो पानी अगर मिट्टी में गिरे तो कीचड़ की तरह कीचड़ बन जाता है। द मॉन्स्टर ऑफ द डीप आर मेड, और समुद्र में ही मॉन्स्टर जो बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर जो हम लोग टीवी में देखते हैं, ज़्यादातर समुद्र से ही निकल के बाहर आते हैं। जो मॉन्स्टर बने हैं डीप सी में, इच जोन ओबेज दी, और सारी इच जोन है ओबेज करती है सी को, दो गोस गोइस्ट फोर्थ, और समुद्र जो है हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ड्रीड है, थोड़ा खौफनाक भी है। फैथ होमलेस, इमिजरेबल है, जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, अलोन है, अकेला है। ये समुद्र है जो हमारे फायदे के लिए गॉड ने बनाई ही है। ग्लासेस इटसेल्फ इन टेम्पेस्ट, लेकिन अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे अपनी मुनाफिकत के लिए तो नुकसान पहुँचेगा। ब्रीज है, गेल है, स्टॉर्म भी है। तो ये रहा स्टेंजा 183। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।